हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी हब। आज हम मौर्य डायनेस्टी पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं धनानंद के ऊपर अंडर द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य। तो अब देखते हैं कि मौर्याज कौन है, हु आर द मौर्याज, इनके ऑरिजिन क्या है। हमने देखा था नंद डायनेस्टी कौन है, पहली लास्ट लेक्चर में देखा था नंद डायनेस्टी पहली नॉन क्षत्रिय क्लैन या नॉन क्षत्रिय जो कुल है वो रूल करने आती है, और जो उनके फाउंडर हैं महापद्मानंद उनके बारे में क्या कहा गया था कि वो सर्वसत रंशक है, यानी कि अप्रूटर ऑफ द क्षत्रियाज या डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रियाज है, मतलब वो क्षत्रिय ऑरिजिन के नहीं थे। तो अब मौर्यास के बारे में अगर हम देखें तो अलग अलग सोर्सेज हैं जो अलग अलग इंडिकेशन देते हैं उनके उनके बारे में, उनके क्लैन के बारे में। तो हम वो देखते हैं, सबसे पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बुद्धिस्ट जो लिटरेचर्स हैं वो क्या बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी के, वो किससे बिलोंग करते हैं, शाक्य क्लैन। और अगर आपको याद हो तो शाक्य क्लैन हमने डिस्कस किया था, उन्हें गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है। और शाक्य क्लैन मैंने बताया था कौन सा क्लैन है, क्षत्रियो का क्लैन है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड लिटरेचर्स मौर्याज कौन है, मौर्याज आर क्षत्रियाज। और उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो रीजन दिए गए हैं कि उनको मौर्याज क्यों कहा गया, तो उसके लिए कहा गया कि जो रीजन में जो जिस रीजन से वो आते थे वो रीजन फुल ऑफ पीकॉक्स था या मोर पक्षियों से भरा हुआ था, दैट इज वाई दे आर नोन एज मौर्याज। अगर हम सेकेंड जो सोर्स हैं वो आए तो देखिए मुद्र रक्षा, ये एक इम्पॉर्टेंट प्ले है या नाटक है। और इसके कंटेंट क्या है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड ये नाटक या प्ले है। और इसको लिखा किसने है, ये एक संस्कृत में लिखी गई है और इसको लिखा है विशाख दत्त ने। ये बार बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, मूद रक्षा रिटन बाई विशाख दत्त। और इसमें मौर्यास के बारे में क्या मेंशन किया गया है कि वो कुलहीन है या वृषाल है, प्लीज रिमेम्बर। और इससे हम क्या अपने निकाल सकते हैं आउटकम क्या, कि कुलहीन का दो मतलब हो सकते हैं, जिनका कुलहीन यानी कि कुल के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में पता नहीं है एग्जैक्टली, और सेकेंडली वन ऑफ हु इज ऑफ लो क्लैन या लो कास्ट। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वो क्षत्रियाज है और यहाँ पे लो कास्ट है, या उनके ओरिजिन के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है। और अगर हम तीसरा सोर्सेस देखें, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस या जो जूनागढ़ के पत्थर के शिला लेख है जिनको किसने इशू करवाया था, रुद्र दमन, हम आगे देखेंगे शाका, इसके बाद जो शाकाओं का रूल आएगा उसके एक फेमस राजा है रुद्र दमन। और वो मौर्यास के बारे में क्या उस शिलालेख से पता चलता है कि उनके जो ओरिजिन है वो वैश्य ओरिजिन के हो सकते हैं, वैश्य है क्यों, और ऐसा क्यों कहा गया, क्यों क्यों क्योंकि सौराष्ट्र में उस टाइम जो रूलर थे अंडर जो एम्पायर है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो काम संभाल रहे हैं पुष्यगुप्त सौराष्ट्र में, और सुदर्शना लेख भी बनाते हैं पुष्यगुप्त। तो वहाँ पे मेंशन है क्या कि पुष्यगुप्त का जो ओरिजिन है वो वैश्य है, एंड समहाउ ये लिंक करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इज समहाउ लिंक्ड टू पुष्यगुप्त, और क्योंकि पुष्यगुप्त वैश्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी ओरिजिन वैश्य हो सकता है। तो ये सब तीनों रीजंस हैं, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये सब हमको जाननी है। अब हम देखते हैं इनके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखे हैं क्या 321 बीसी में, यस उन्होंने हराया था धनानंद को एंड फाउंड किया है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य अम्पायर या मौर्य डायनेस्टी का है, तो इज अ फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन 321 बीसी बाय डिफीटिंग हुम फेमस किंग लास्ट नंदा रूलर धनानंद। और ऐसा माना गया कि इस धनानंद को हराने के लिए उन्होंने किस राजा की मदद ली है, परवर्तका जो कि कश्मीर के राजा थे उस वक्त, और गाइडेंस किसकी थी, कौतल्य या फिर कहे तो चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही आदमी के नाम है, कौतल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त। और इन्होंने धनानंद को हराया और कैपिटल क्या बनाया, पाटलिपुत्र, प्लीज रिमेम्बर। और कौतल्य जो कि ये गाइडेंस दे रहे हैं वो क्या थे, पहले वो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहाँ पे टीचर थे। और जब एम्पायर बन जाता है अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, तो किस पद पे हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, या प्राइम मिनिस्टर जो कहें, पीएम बनते हैं। तो अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य की काम क्या किया है उन्होंने, तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा देते हैं बाद में, 305 बीसी, प्लीज रिमेम्बर इम्पोर्टेंट टाइम है, 305 बीसी सेलिकस निकेटर को हराने में कामयाब होते हैं इन 305 बीसी। और सेलिकस निकेटर कौन था, जब एलेक्जेंडर
कि आर्मीज रिवोल्ट करती है तो वापस फोर्स हो जाते हैं ग्रीस जाने के लिए। तो जब छोड़ने से पहले वो अपने एक गवर्नर जनरल छोड़ के जाते हैं जो यहाँ के जो किंगडम्स पे कब्जा किए हैं उनको संभाल सकें, और उनका नाम क्या है, वही गवर्नर जनरल है सेल्यूकस निकेटर, उनको हरा देते हैं। और कई सारे अलायंसेस या कहें तो ट्रीटीज होते हैं, और उन ट्रीटीज में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को वास्ट एरियाज ऑफ लैंड दे देते हैं, और तब उनका किंगडम जो चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम है वो कहाँ तक चला जाता है, हिंदू कुश तक। तो नॉर्थ इंडिया के काफी पार्ट्स पे मौर्य अंपायर का कब्जा है और कहाँ तक ही एक्सटेंड है, अप टू हिंदू कुश। कई सारे जो किंगडम्स कैप्चर किए थे अलेक्जेंडर ने वो भी अब आ गए हैं अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसा कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ इंडिया को सबसे पहली बार यूनाइट करने में सफल हो पाए हैं, ऐसे राजा हैं। और अगर हम देखें तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हुए सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी है उनसे शादी कौन करते हैं या विवाह कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा भी कहा गया कि 500 एलिफेंट्स देते हैं सेल्यूकस निकेटर को, प्लीज रिमेंबर 500 एलिफेंट्स देते हैं। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपना एक ग्रीक एम्बेसडर भेजते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, मौरियन कोर्ट में। मौरियन कोर्ट में एक अपना एम्बेसडर भेजते हैं जिनका नाम क्या है, मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस आके आगे एक बुक लिखते हैं इंडिका, जो हम देखेंगे आगे उनके कंटेंट्स क्या हैं, क्या उन्होंने लिखा है। और कई लोग मानते हैं कि ये फर्स्ट फॉरेनर अकाउंट है अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में किसी बाहरी ने पहली बार लिखा है, तो हम देखेंगे ये क्या है। बट चंद्रगुप्त मौर्य को अगर देख लें तो ग्रीक स्कॉलर्स चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे, तो वो बोलते थे सैंड्रोकॉटस। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीक स्कॉलर्स चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कह के मेंशन करते थे, सैंड्रोकॉटस या फिर एंड्रोकॉटस, दोनों, एंड्रो एंड सैंड्रोकॉटस, प्लीज रिमेम्बर। अगर हम आए इनके फिर मेगास्थनीस के बारे में, तो मेगास्थनीस ने इंडिका बुक लिखी, और कई लोग कहते हैं ये फर्स्ट फॉरेनर अकाउंट है अबाउट इंडिया, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये इस बुक के कंटेंट्स क्या है, क्या इन्होंने लिखा था उस बुक में, तो ये मेंशन करते हैं कि इंडिया में 7 कास्ट सिस्टम है उस टाइम, बट हमने क्या देखा था, कितने कास्ट सिस्टम है, 4 कास्ट सिस्टम है। बट इन्होंने क्या मेंशन किया है, 7 कास्ट सिस्टम थे उस टाइम। और इस बुक में म्यूनिसिपल जो स्ट्रक्चर्स है अंडर मौर्य एम्पायर, क्या म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर है, क्या आर्थिक स्थिति है, और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति स्ट्रक्चर्स हैं ऑफिसर्स के, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैसी स्थिति है, उसके बारे में इंडिका में मेंशन किया गया है। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की कि जो इंडियंस उस टाइम है अंडर द मौर्य एम्पायर वो फ्री फ्रॉम स्लेवरी है, वहाँ पे कोई दास नहीं है। रिमेंबर दीज आर ऑल द कंटेंट्स रिटन इन द बुक इंडिका, रिटन बाई हुम, मेगास्थनीस, जो कि पहले ग्रीक एम्बेसडर हैं, अंडर हुम सेल्यूकस निकेटर भेजते हैं टू द मौर्यन कोर्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो जीवन के आखिरी समय में क्या करते हैं, वो जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ही एक्सेप्टेड जैनिज्म। और कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, श्रवण बेलागोल एक जगह है, श्रवण बेलागोला इन कर्नाटक, चंद्रगिरी हिल्स जगह है वहाँ पे, वहाँ पे चले जाते हैं। और माना जाता है कि वहीं पे उपवास या व्रत रख के और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनकी डेथ होती है बाई स्टारवेशन। और हमने पढ़ा था कि जैनिज्म में डेथ बाई स्टारवेशन क्या देता है, मोक्ष या साल्वेशन देता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बद्रबाहु जो साउथ इंडिया गए थे मॉन्क या भिक्षु, उनके साथ गए थे, प्लीज रिमेम्बर दैट। बट ये जगह जरूरी है, चंद्रगिरी हिल्स, श्रवण बेलागोल इन कर्नाटक। और यहीं पे एक फेमस फेस्टिवल होती है महामस्तक अभिषेक, जो 12 सालों में होती है, अगर आपको पता हो तो, ये एक फेमस फेस्टिवल है, प्लीज रिमेम्बर। महामस्तक अभिषेक इसी जगह पे होती है। अगर हम आगे बढ़े तो मैंने पहले ही बता दिया था कि माना गया है फर्स्ट इंडियन रूलर है जो होल ऑफ नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर पाए हैं। और दो जो कॉपर प्लेट शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस है, कहाँ कहाँ पे, महास्थान एंड सोहगुड़ा, ये दोनों में महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया इन कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस या शिलालेखों पे, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके टाइम अगर सूखा पड़ा या अकाल पड़ा है तो उन्होंने लोगों को राहत दिलाई या रिलीफ वर्क्स किए हैं, ये मेंशन किया गया है। तो क्या देखते हैं हम कि सैनिटेशंस एंड रिलीफ वर्क्स पे भी काफी ध्यान था चंद्रगुप्त मौर्य का अंडर हिज एम्पायर। और अगर हम देखें कौटिल्य के बारे में, जिनको मैंने बताया था, जिनके गाइडेंस में धनानंद हार गए थे, जिनके गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देते हैं,
उन्होंने एक फेमस किताब लिखी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, रिमेम्बर इट इज नॉट अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, ये किस चीज पे बुक है, ये बुक है स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी पे, राज्य शासन व्यवस्था पे ये बुक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है, अर्थशास्त्र इज एन बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी, राज्य शासन व्यवस्था पे है, आर्थिक स्थितियों पे नहीं है या इकोनॉमिक्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस, जो पैलेस है उनका, वो कहाँ पे है, वो पटना में है, कुम्हरार एक जगह है वहाँ पे है उनका पैलेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उनके बेटे बिंदुसार के पास देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य चले गए हैं, उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया है, किसके लिए, बेटे बेटे अब आते हैं उनके लिए। तो 298 BC में बिंदुसार आ रहे हैं, और बिंदुसार की पिता तो पता है चंद्रगुप्त मौर्य, माँ कौन है, धुरधरा, रिमेम्बर दैट हिज मदर नेम इज धुरधरा। और ऐसा माना जाता है कि साउथ इंडिया जो है हमारा, वहाँ पे अभी तक नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है कि कहाँ तक हिंदू कुश तक एक्सपेंशन कर पाए हैं अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, बट हम देखेंगे कि बिंदुसार क्या करते हैं, मैसूर तक, साउथ इंडिया तक जो एक्सपेंशन है वो चला जाता है अंडर हुम, बिंदुसार। तो बिंदुसार साउथ इंडिया को अपने जो एम्पायर है उसमें ला पाते हैं, मैसूर तक है उनके नीचे का जो रीजन्स है वो बच जाता है बस। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है तारानाथ, रिमेम्बर तारानाथ, उन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो लैंड है, जो जमीन है दो समुद्रों के जो बीच है लैंड, उनको कैप्चर करने के लिए क्रेडिट दिया है किसको, बिंदुसार को क्रेडिट दिया है किसने, बुद्धिस्ट भिक्षु है, बुद्धिस्ट मॉन्क है तारानाथ, ही फॉर कैप्चरिंग द लैंड बिटवीन द टू सीज। मतलब वो साउथ इंडिया के जो साउथ में जो एम्पायर, ये अपने एम्पायर में ला पाते हैं साउथ इंडिया के राज्यों को या फिर जो जमीन है उनको, तो उसके लिए क्रेडिट दिया गया। और ग्रीक्स इनको क्या कहते हैं, बिंदुसार को अमित्रोछैटस या फिर अमित्र रागता, ग्रीक्स कहते हैं अमित्रोछैटस, उसका मतलब अमित्र रागता का मतलब क्या है, किलर ऑफ द एनिमीज या किलर ऑफ द फोज, ये कहते हैं ग्रीक्स। और अगर हम देखें तो एंटिकियस वन जो सेलिकड किंग है, अब सेलिकड किंग का मतलब क्या है सीरिया में, तो सेलिकस निकेटर जो थे, अब हम देखेंगे 326 BC में अलेक्जेंडर वापस चले जाते हैं ग्रीस, और कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो जो गवर्नर जनरल्स हैं अलग अलग जो रीजन्स, एक वास्ट एम्पायर वो छोड़ के जा रहे हैं अपने मरने के बाद, तो जो बाद में गवर्नर जनरल्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में जिनको नियुक्त किया था अलेक्जेंडर ने, वो अब लड़ाई स्टार्ट करते हैं, क्यों, ताकि वो राजा बन सके, वो एम्पायर को तोड़े और आपस में जो है खुद एक नया एम्पायर बनाए। तो हम देखते हैं चार नए एम्पायर्स बनते हैं, तो सेलिकस निकेटर कौन सा एम्पायर बनाने में कामयाब होते हैं, सेलिकड डायनेस्टी या सेलिकड एम्पायर बनाने में कामयाब होते हैं, और रूल कहाँ से करते हैं, सीरिया से रूल करते हैं, दैट इज वाई। और सेलिकस निकेटर के जो फाउंडर कहे गए सेलिकड डायनेस्टी या सेलिकड एम्पायर के, और उसके उनके बाद कौन आता है, एंटिकियस वन उनके बाद रूल करने आता है, रिमेम्बर। और अगर हम देखें जो जो चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ है अलेक्जेंडर की जो वास्ट एम्पायर थी, तो वो अलग अलग यहाँ पे जो एरियाज ऑफ मेसोपोटामिया एंड सीरिया जो था वो सेलिकस निकेटर जीत पाते हैं या उनको मिलता है, और सेलिकड डायनेस्टी वो बना पाते हैं, और इजिप्ट में टॉलमी या टॉलमी डायनेस्टी बनती है, और ग्रीस में कौन करता है, एंटीगोनेट डायनेस्टी बनती है, और एनाटोलिया में अटालिड डायनेस्टी बनती है। तो चार पार्ट्स में उनके फास्ट एम्पायर को ब्रेकअप किया जाता है, कई सारी लड़ाइयां होती हैं, और उसके बाद ये फाइनली हम देखते हैं कि अलग अलग, और उनको जो लड़ाइयाँ हो रही हैं गवर्नर जनरल्स में, उनको वार ऑफ डायडोची भी कहा गया, या फिर जो गवर्नर जनरल्स हैं उनको डायडोची कहा जाता था, और जो लड़ाइयाँ चल रही थी लगातार अम्पायर्स के लिए उनको वार ऑफ डायडोचीज कहा गया था। ओके, आगे देखते हैं, तो एंटिकियस वन क्या करते हैं, सीरिया से अम्बेसडर भेजते हैं डाइमैकस, किसके कोर्ट में, बिंदुसार के कोर्ट में डाइमैकस, रिमेम्बर डाइमैकस मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर ने। उनके बाद जो आए हैं एंटिकियस वन, वो किसको भेज रहे हैं, डाइमैकस को भेज रहे हैं, और स्वीट वाइन एंड फिक्स अंजीर, फिक्स को अंजीर कहा जाता है, फिक्स भी भेजे हैं साथ में उनके कोर्ट में। और ये बिंदुसार किसको पैटर्नाइज करते हैं, आजीविका सेक्ट को, और हम देखते हैं आजीविका सेक्ट किसने बनाई थी, गौशाला ने बनाई थी, और ये सेक्ट किस में बिलीव करती है, नियति या नियतिवाद या डेस्टिनी पे बिलीव करती है, रिमेम्बर अगर आपको याद हो तो। अब हम अगर आगे देखें तो बिंदुसार के बाद कौन आ रहा है, अशोका, 268 BC में आते हैं, लेकिन
राजा बनने से पहले हम क्या देखते हैं कि अशोका को क्या रूल गवर्नमेंट में थे वो, हाँ गवर्नर के पोस्ट पे थे, और कहाँ कहाँ पे, तक्षशिला एंड उज्जैन, ही वॉज अ गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग हुज रूल, बिंदुसार पिता, जब बिंदुसार का रूल था तो वो तक्षशिला एंड उज्जैन में गवर्नर के तौर पे या गवर्नर के पोस्ट पे काम कर चुके थे अशोका। और जो उनके बड़े बेटे हैं बिंदुसार के, वो खुश नहीं थे अशोका से, अगर आपको पता हो तो हिस्ट्री, वो खुश नहीं रहते थे अशोका से। इसलिए बीच में बिंदुसार ने कहाँ भेज दिया था अशोका को, एग्जाइल में कलिंग भेज दिया था, अगर आपको पता हो तो। बट हम देखेंगे कि तक्षशिला में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है कि तक्षशिला में जो लोग हैं वो रिवेल करते हैं या रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द एम्पायर, तो बिंदुसार किसको भेजते हैं, बिंदुसार अशोक को तक्षशिला में भेजते हैं कि जाओ रिवॉल्ट्स को तुम खत्म करो, पीपल लोगों को समझाओ और जो रेबेलियन है उसको शांत करो। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तक्षशिला में। और कुछ सालों बाद जब कलिंग से लौटते हैं अशोक, कलिंग एग्जाइल में, कलिंग उड़ीसा में है जहाँ पे बिंदुसार अशोक को भेज देते हैं, उसके बाद जब फिर से बुलाते हैं तो उज्जैन में भी एक तरह से रेबेलियन या रिवोल्ट्स हो रहे हैं, तो उनको भी शांत करते हैं अशोक। बट रिमेंबर दैट तक्षशिला वॉज द फर्स्ट, उसके बाद कुछ सालों बाद उज्जैन में करते हैं। और ये सब किस में मेंशन की गई है, दिव्य वंदना, दिव्य वंदना एंड अशोक वंदना। प्लीज रिमेंबर दीज टू आर वेरी टू इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या बुक्स हैं जिसमें मेंशन रेफरेंस दिया गया है बिंदुसार एंड अशोका के बारे में, कि वो तक्षशिला एंड उज्जैन में गए थे और क्या क्या किया है उसके बारे में इसमें मेंशन है, अशोक वंदना और दिव्य वंदना। अब हम देखें टू क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका के, ऐसा माना गया, दीप वंश वंशा एंड महावंशा, इसमें क्या उन्होंने मेंशन किया है कि अशोक राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों को मार देते हैं, ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, और जो सबसे छोटे भाई हैं यंगर ब्रदर हैं टीसा, उनसे 4 साल तक लड़ाई चलती है जो राजा बनने के लिए या जो कुर्सी है राजा की उसके लिए। और इस बुक में दीप वंशा और महावंशा में क्या चीज़ एक और मेंशन है कि किस तरह अशोका का रोल क्या था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में इन श्रीलंका, और उस टाइम श्रीलंका को एक और नाम से बुलाया जाता है सेलोन, अगर आपको पता हो तो, सेलोन श्रीलंका को भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे सेलोन वर्ड दिख गया तो समझ जाइए उस श्रीलंका के बारे में कहा जा रहा है। और हम क्या देखें कि कलिंग अशोका एक फेमस लड़ाई लड़ते हैं, कलिंग वार, कहाँ पे, कलिंगा उड़ीसा में कलिंग वार लड़ते हैं, और टाइम क्या है 261 BC, ये काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है, 261 BC में लड़ते हैं, रिमेम्बर दैट। और उसके बाद क्या करते हैं, इतना खून ज़्यादा मतलब कि लड़ाई हो जाती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो अशोका को ये बात काफी हर्ट करती है और वो क्या करते हैं, अबैंडन कर देते हैं किस किस नीति को, फिजिकल वार। अब वो बोलते हैं कि मैं फिजिकल वार नहीं लड़ूंगा, फिजिकल वार को क्या कहा गया, भेड़ा घोष, रिमेम्बर भेड़ा घोष फिजिकल वार, और वो इस पॉलिसी को अब अबैंडन कर देते हैं, बोलते हैं मैं फिजिकल वार की तरफ नहीं लड़ूंगा, मैं कल्चरल और सोशल कॉन्केस्ट करेंगे, धम्म घोष करूंगा, मतलब कि मैं लोगों को कैसे जीतूंगा, मैं लोगों के सोशल और कल्चरल चीजों को सुधार के जीतूंगा, धम्म घोष करके जीतूंगा, भेड़ा घोष करके नहीं जीतूंगा, रिमेम्बर दैट। और वो कहाँ कहाँ तक रूल कर पाए हैं, कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑल आर इन इट्स एम्पायर। और हम क्या देखते हैं कि नेपाल भी वो गए थे, अगर आपको याद हो तो, वो नेपाल जाते हैं और वहाँ पे रुमंडाई, उस टाइम नेपाल जो लुम्बिनी है जो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध है उसको क्या कहा जाता था नेपाल में, रुमंडाई कहा गया है लुम्बिनी में उस टाइम पे। और रुमंडाई में ये जाते हैं और अनाउंस करते हैं रिलीफ इन टैक्सेस, कई सारे लैंड टैक्सेस और अदर टैक्सेस पे छूट देते हैं, और वहाँ पे कई सारे पिलर्स भी बनाते हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, ये तो पता है कि उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था, और किस भिक्षु या किस मॉन्क के अंडर उपागुप्त, ये भी पूछते हैं एग्जाम्स में कि मॉन्क कौन थे जिन्होंने बुद्धिज्म की शपथ दिलाई थी अशोक को, तो वो थे उपागुप्ता, रिमेम्बर दैट। और जो रूल है अंडर अशोका वो किस टाइप का रूल कहा गया है लोगों के द्वारा, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। और डेस्पोटिज्म क्या है, अगर हम सिर्फ डेस्पोटिज्म देखें तो रूल बाय वन किंग हु इज वेरी पावरफुल, मतलब कि क्या, एक डिक्टेटर की तरह रूल, डिक्टेटर क्या है, तानाशाही, एक आदमी रूल करेगा और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, जो वो कहेगा वही होगा। लेकिन एक डिफरेंस क्या था डिस्पोटिज्म एंड एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म में, कि अशोका बाद में सोशल कॉन्क्वेस्ट के लिए ज़्यादा ये करते हैं, लोगों के बीच में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं,
और लोगों के बीच में जो है उनकी सोशल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, टॉलरेंस और बहुत सारी नीतियां हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो जो रूल अंडर अशोका है वो क्या कहा गया, जो मोनार्की है सिंगल रूल मोनार्की है, एक राजा रूल कर रहा है लेकिन वो एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म है। और अगर हम देखें तो ही ऑर्गेनाइज धम्म यात्राज निकालते थे। अब हमको पता है कि धम्म में अशोक धम्म में क्या है, वो रिलीजन के स्प्रेड के बारे में नहीं है, वो स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म के बारे में नहीं है, वो क्या है, स्प्रेडिंग सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है, लोगों को बताने के बारे में है। धम्म यात्राज जब निकलती थी तो लोगों को समाज में ये बताया जाता था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंडिविजुअल या एक आदमी की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स सोसाइटी, और किस तरह से हम सबको मिलके सोशल ऑर्डर बना के रखना है समाज में, किस तरह से टॉलरेंस रहना चाहिए सभी दूसरे रिलीजियंस दूसरे सेक्ट्स के साथ, कैसे हमको एनिमल्स को बचाना है प्रिजर्व करना है उनको मारना नहीं है, एनिमल सैक्रिफाइसेस रोकने हैं, वो सब हम देखेंगे। और ये सब कई सारी जानकारियां हैं कि इसमें मेजर जो रॉक एडिक्ट्स हैं, 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, हम देखेंगे बाद में 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, उनमें ये सब मेंशंस की गई हैं। तो रिमेंबर अशोक धम्म में क्या है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, रिमेंबर दैट, लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवगत कराने की के बारे में अशोक धम्म। तो धम्म यात्राज निकालते हैं और उन्होंने अपॉइंट किसको भी किया है, धम्म महामात्राज को। अब ये इंपॉर्टेंट है, धम्म महामात्राज रिमेंबर ये कौन है, ये मिशनरीज हैं जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि धम्म महामात्राज वो मिशनरीज हैं जो स्प्रेड करेंगे बुद्धिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके बाद हम देखते हैं क्या अंडर अशोक गवर्नमेंट क्या है, हाईली सेंट्रलाइज है, यस हाईली सेंट्रलाइज है। और एक और चीज़ है, जो चीफ प्रीस्ट हैं पुरोहित हैं उनको क्या बोला जाता था उस टाइम पे मौर्य एम्पायर के या मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, तो गोपा कहा जाता है, रिमेंबर ये आपको नोट डाउन करना है, गोपा वॉज कॉल्ड एज द चीफ प्रीस्ट और पुरोहित, उनको गोपा कहा जाता था। और हम देखें तो फोर लायन कैपिटल, 4 शेर, अगर हम देखें कई जगह पे उनके जो स्तंभ हैं पिलर्स हैं वो क्या 1 लायन पे हैं, और 4 लायन कैपिटल कहाँ कहाँ पे है, सारनाथ एंड सांची अगर हमको पता है तो। और एम्बलेम ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो एम्बलेम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जो एम्बलेम है वो कहाँ से ली गई है, लायन कैपिटल कहाँ, सारनाथ से ली गई है, अशोकन पिलर जो सारनाथ पे है, ये रिमेम्बर करना है कि कहाँ से लिए हमने, अशोकन पिलर एट सारनाथ। और अगर हम देखें तो जो एम्बलेम है या फिर जो 4 लायन जो पिलर है उसमें क्या है, 4 लायंस है, रिमेंबर उसमें 4 लायंस है, और वो लायन किसके ऊपर बैठे हुए हैं, हम देखेंगे कि इन्वर्टेड लोटस बना हुआ है। और इन्वर्टेड लोटस का ये मतलब था कि जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं या फिर जो संसारा से छुटकारा पाने के लिए जो रास्ते दिखाए हैं गौतम बुद्ध ने, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड ऑल दैट, तो वो है कि इन्वर्टेड कमल या इन्वर्टेड लोटस का ये मतलब है, जिस तरह से लोटस कीचड़ से सारी बुराइयों से बच के निकलता है और खिलता है, उसी तरह से इसको लिंक किया गया है बुद्धिज्म से। तो वो सब डाटाज हैं काफ़ी लोटसेस के बारे में। और उसके ऊपर क्या देखते हैं हम, 4 धर्म चक्र बने हुए हैं और सराउंडेड किससे हैं, एनिमल से, और उसके ऊपर 4 लायंस हैं, 4 साइडेड लायंस है, रिमेंबर दैट। तो जो एनिमल 4 धर्म चक्र हैं और धर्म चक्र में कितने सारे स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं, ये आपको याद रखना है कि जो धर्म चक्र हैं उसमें 24 स्पोक्स है। और उसमें जो एनिमल्स हैं अगर आप देखें तो चक्रास की अगल बगल में एनिमल्स हैं, तो कौन कौन से एनिमल हैं, बुल हैं पहले, उसके बाद हॉर्स हैं, उसके बाद एलिफेंट्स हैं, और चौथे लायन हैं, रिमेंबर दैट। और कोई एलिफेंट्स नहीं है, ये भी पूछ लेते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो आपको याद रखना है बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट्स हैं एंड लायन है, रिमेंबर ये डाटास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और 1 लायन कैपिटल कहाँ है, अगर आप पिलर सर्च मारेंगे गूगल पे या कहीं पे तो आपको जो पिलर्स पे दिखेंगे एक ही लायन दिखेगा, 1 लायन कैपिटल कहा गया, ये कहाँ पे है, रामपुर एंड नंदनगढ़, ये दोनों अलग अलग जगह है, रामपुर एंड नंदनगढ़, बट ये दोनों कहाँ है, चंपारण इन बिहार, दोनों ही चंपारण बिहार में है, रामपुर एंड नंदनगढ़, यहाँ पे 1 लायन कैपिटल कहा गया और 4 लायन कैपिटल सारनाथ और सांची में है, रिमेंबर दैट। सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश, आपको पता होना चाहिए, सांची स्तूपा, द ग्रेट सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और एम्बलेम ऑफ इंडिया ही से अडॉप्ट की थी अशोकन पिलर्स एट सारनाथ पे। और ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका, या कहें तो मौर्या रूल के दौरान अशोका ने काफ़ी सारे स्तूपाज बनाए थे, या फिर जो रिलिक्स ऑफ बुद्धाज हैं उनको काफ़ी सारे एक्सपेंशन मिला था, और हर जगह पे
काफी सारी बना जगह पे उनके एम्पायर में बनी है। और जो फेमस फेमस है वो क्या है, ग्रेट स्तूपा एट सांची जो मध्य प्रदेश में बारहूत में है, वो भी मध्य ही प्रदेश में है। आपको याद होना चाहिए सांची और बारहूत दोनों मध्य प्रदेश में है, जो यहाँ पे ग्रेट स्तूपाज बनाई गई हैं। और अगर हम देखें तो अशोका के बारे में हमको पता कैसे चलती हैं, जो उनके शिलालेख हैं या जो एडिक्ट्स हैं जिनमें इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे हमको अशोका के बारे में काफी। और उस टाइम पे मौर्य जो रूल है मौर्य डायनेस्टी के अंदर, अशोका क्या कर रहे हैं, किस तरह की उनकी नीति है और कैसे वो कलिंगा वॉर एंड ऑल दैट, सारी नॉलेज हमको कहाँ से मिल रही है, उसी शिलालेखों से मिल रही है। और 33 शिलालेख कहे गए हैं कि 33 एडिक्ट्स या 33 शिलालेख हैं अशोका से लिंक्ड, और अलग अलग चीजों पे बनी हुई हैं। कोई पहाड़ों के केव्स पे काट के बनाई गई हैं, उनमें कट करके लिखी गई हैं इंस्क्रिप्शंस, कोई पत्थरों पे लिखी गई हैं, और कोई पिलर्स खड़े करके उनमें इंस्क्रिप्शंस या वो लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना है किस किस तरह के थे, कि 14 मेजर जो हैं वो पत्थर के रॉक एडिक्ट्स हैं, और उसके बाद 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, और जो सबसे लास्ट में लिखी गई है, ऐसा माना जाता है कि जो 7वां पिलर एडिक्ट है वो सबसे लास्ट में लिखा गया था। रिमेम्बर, 7वां जो पिलर एडिक्ट है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो अब हम देखें जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, अब जो पत्थरों पर जो शिलालेख लिखे गए हैं उनका मतलब क्या है, वो किसके बारे में बताते हैं, तो मेनली वो किसके बारे में बताते हैं, अशोका की गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी थी और धम्म पॉलिसीज कैसी थी, कैसे अशोका गवर्नमेंट चला रहे हैं और धम्म पॉलिसी कैसे, जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनके बारे में उनमें क्या मेंशन है, और लोगों को किस जो समाज है उस टाइम का उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे क्या क्या अशोका करना चाहते हैं, आइडियाज क्या हैं अशोका के। तो बहुत सारे पिलर्स हैं, 14 पिलर्स हैं, तो बहुत सारे पहले जो पिलर्स हैं, जो पहला जो एडिक्ट है, पहला जो शिलालेख है, उसके बारे में क्या, उसमें क्या कहा गया है कि हमको नहीं मारना है एनिमल्स को, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करने के लिए बोला गया है। तो हर चीज, हर शिलालेख में अलग अलग चीज है। और थर्ड में क्या है, लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्राह्मिन्स, और उसके बाद नॉन वायलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ फिफ्थ में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्राज, जो मिशनरीज हैं जो स्प्रेड करेंगे बुद्धिज्म, इनके बारे में भी कहा गया है। तो यहीं से हमको पता चलता है कि धम्म महामात्राज क्या है या कौन है। प्लीज रिमेम्बर, 5वां एडिक्ट है, उसमें कहा गया है टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल सेक्ट्स, ये सब के बारे में जानकारी है, जो 14 मेजर अलग अलग रॉक एडिक्ट हैं, हर रॉक एडिक्ट में अलग अलग चीजें पता है। अब हम जो 13th है रॉक एडिक्ट, वो इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है, 13th रॉक एडिक्ट। क्यों, कि क्योंकि इसी शिलालेख या इसी रॉक एडिक्ट में किस वार के बारे में मेंशन किया है, कलिंगा वार। हमको कलिंगा वार के बारे में यहीं से पता चलता है, 13वां जो रॉक एडिक्ट है इसी इसी में कलिंगा वार के बारे में मेंशन किया गया है, और कैसे अशोक अपनी पॉलिसीज को बदलते हैं आफ्टर द वार। भेड़ा घोष मैंने बताया था, फिजिकल वार को वो छोड़ देते हैं, इस पॉलिसी को अबैंडन कर देते हैं, और किस पॉलिसी को अपनाते हैं, धम्म घोष, या फिर जो सोशल एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट है, इससे वो जीतने का, लोगों का मन जीतने का प्रयास करना चाहते हैं। ये 13वां रॉक एडिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम देखें कि अशोक जो नाम है अशोक, ये किस एडिक्ट में लिखा गया। नॉर्मली जब उनको मेंशन किया जाता है शिलालेखों पे या एडिक्ट पे, तो जो नाम है वो बिलवर्ड ऑफ गॉड या देव नाम पियदसी ही लिखा गया, उनका नाम मेंशन नहीं है। बहुत जगह पे क्या लिखा गया है, देव नाम पियदसी या फिर बिलवर्ड ऑफ गॉड, लेकिन एक जगह पे मास्की जो रॉक एडिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, मास्की एडिक्ट, या आपको याद रखना है मास्की एडिक्ट है, कहाँ पे, रायचूर कर्नाटक में, वहां पे अशोका, अशोक नाम मेंशन्ड है, और दैट्स वाई हमको पता चलता है कि यस वो अशोका ही है। रिमेम्बर दैट, मास्की रॉक एडिक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड बिलवर्ड ऑफ गॉड देव नाम पियदसी किस कौन है, वो भी अशोक ही है। और हम देखेंगे जो एडिक्ट्स हैं, जो शिलालेख्स हैं, वो पूरे उस टाइम के जो पूरे भारत है, जो बड़ा भारत था बिफोर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम देखेंगे हर जगह पे पार्ट्स ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो था वहाँ पे हर जगह पे स्प्रेड किया गया एडिक्ट्स को, जो शिलालेख हैं हर जगह पे हैं, और हर जगह पे अलग अलग लिपि में लिखी गई है। खारोष्टी लिपि मैंने बताया था कहाँ से आई थी, ईरान से। तो खारोष्टी स्क्रिप्ट ने कहाँ पे लिखे गए, पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, गांधार एंड ऑल, तक्षशिला एंड ऑल दैट, उस रीजन में लिखी गई है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, किस स्क्रिप्ट में, खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट, यहाँ तक कि ग्रीक स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और जो भारत, जो मेन लैंड भारत है, जो बड़ा एक
इलाका है, जो ईस्टर्न भारत था उस टाइम का है, तो वहाँ के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ये तो पता है सभी को कि ब्राह्मी लिपि में थी, और इन सब शिलालेखों पे जो लिखा हुआ है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कि अलग अलग चीज़ों में उनके बारे में क्या लिखा गया है, उसको किसने डिसाइफर किया था, किसने डिकोड किया था, उनका नाम है सर जेम्स प्रिंसेफ। ये आपको याद रखना है कि सर जेम्स प्रिंसेफ ने इसको डिकोड किया था, कि शिलालेखों पे क्या लिखा हुआ है, उनका मतलब क्या है। 1837 में उन्होंने ये डिकोड किया था या डिसाइफर किया था, रिमेम्बर दैट। और इम्पॉर्टेंट अदर इम्पॉर्टेंट शिलालेख या एडिक्ट कौन से हैं, मैंने पहला बताया था रोमेंडाई एक पिलर है, उसमें क्या मेंशन किया गया कि जब वो लुम्बनी जाते हैं, कौन अशोक, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, इसके बारे में हमको वहाँ से पता चल जाता है। और कई सारे टैक्सेस पे छूट देते हैं वहाँ पे जाके, क्यों, क्योंकि लुम्बिनी क्या है, रोमेंडाई क्या है, वो जन्म स्थान है लॉर्ड बुद्धा का या गौतम बुद्ध का, दैट इज वाई। और क्वीन एडिक्ट है, एक दूसरा एक एडिक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहाँ पे है, अलाहाबाद में है। और ये क्या बोलता है, जो उनकी वाइफ है कारुवाकी, और उनके जो सन है कारुवाकी एंड अशोक के सन टिवारा या टिवाला भी कहा गया, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है क्वीन एडिक्ट ने। और कारुवाकी कौन है, रिमेम्बर दैट, कारुवाकी एक फिशर वुमेन थी जिनसे अशोक को प्यार हो जाता है, और कारुवाकी के जो थॉट्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, वो अशोका को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, कारुवाकी, उन्होंने अशोका की लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा असर डाला था, रिमेम्बर दैट। और भावरू एडिक्ट इन राजस्थान, भावरू एडिक्ट किस चीज़ के बारे में बताती है, अशोका की कितनी फेथ, कितना विश्वास है बुद्धिज्म में, उसको कौन सी एडिक्ट से पता चलता है, भावरू एडिक्ट जो राजस्थान में है। उसके बाद बाबरा एडिक्ट है, बाबरा एडिक्ट कहाँ पे है, अगर हम देखें तो बाबरा हिल्स कहाँ पे है, गया में है, बाबरा हिल्स इन गया इन बिहार। तो बाबरा एडिक्ट क्या मेंशन करता है, कि वो डोनेशंस दे रहे हैं आजीविकास को, आजीविका सेक्ट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, उनको डोनेशंस दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी 3 न्यू अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट मिले हैं, कहाँ पे, सनाती विलेज इन कर्नाटक। ये भी आपको याद रखना है कि 3 नए अशोक पिलर्स में रॉक एडिक्ट या शिलालेख मिले हैं, कहाँ पे, सनाती विलेज इन कर्नाटक। और कई सारे किताबें लिखी गई हैं ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, अर्थशास्त्र लिखी गई है, पता है, कल्पसूत्र रिटन बाई भद्रबाहु, प्लीज रिमेम्बर ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्पसूत्र रिटन बाई भद्रबाहु किसके लाइफ के बारे में बताते हैं, लाइफ ऑफ महावीर के बारे में इसमें मेंशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे हु रोट कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसने लिखा था, तो भिक्षु भद्रबाहु ने लिखा था, और इसमें महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है। और भी दूसरे सारे किताबें लिखी गई, भगवती सूत्र, अचरंज सूत्र, ये सब आपको याद रखने हैं, बट कल्पसूत्र एंड अर्थशास्त्र आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी पीरियड। उसके बाद लेटर मुगल्स हम देखते हैं, तो अशोका के जानने के बाद कोई भी अच्छा राजा या शक्तिशाली राजा वैसा नहीं है, और जो एम्पायर है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, रूल्ड बाय कुनाल इन द नॉर्थ एंड दशरथ इन द ईस्ट। तो हम देखते हैं दो पार्ट में डिवीजन हो गया मौर्य एम्पायर का, और कुनाल कहाँ पे रूल कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, और दशरथ कहाँ पे रूल कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट में। और इन 185 BC 185 BC में क्या होता है, जो लास्ट मौर्यन किंग है बृहद्रथ, ये इंपॉर्टेंट है, बृहद्रथ आखिरी मौर्यन किंग है 185 BC में, और उनको कौन मार देता है, उन्हीं का कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग जो हैं वही उनको मार देते हैं, एंड दैट इज वाई वहाँ से एंड होता है, अब एंड हो जाती है कौन, मौर्य डायनेस्टी, और आती है शुंग डायनेस्टी। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी कमेंट्स करना है तो कमेंट्स कीजिएगा अगर कुछ गलत लग रहा है तो। और नेक्स्ट में हम देखेंगे साका सतवाहनास के बारे में, और ग्रीक्स कैसे आते हैं और जीतने में भी कामयाब हो जाते हैं, पार्थियंस के बारे में देखेंगे, वी विल सी ऑल दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज मैं अपलोड कर दूंगा शायद शाम तक।